नमस्कार एवरीबडी, सी आप जवेरी हियर वेलकम्स यू टू ऑर्बिट स्मार्ट स्कूल एंड द सेशन आई एम कंडक्टिंग राइट नाउ इज ऑफ साइंस. यस, यू गेस्ट इट राइट, साइंस फॉर स्टैंडर्ड 7th. द चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई वॉन्ट यू टू सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द वीडियो एंड मे बी यू विल लर्न थिंग और न्यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस वॉट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन. खाना लेने का तरीका, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. और फिर हमारी बॉडी उसको कैसे यूटिलाइज करती है, जैसे कि मोस्टली हमको एनर्जी मिलती है उससे, सो उसका यूज़ करना, वो पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन के जनरली दो मोड्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये सारे मोड्स वापस क्लासिफाई भी होते हैं, बट फिलहाल राइट नाउ वी विल कंसिडर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो ऑन द बोर्ड आई हैव ऑलरेडी रिटन व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड फॉर देमसेल्फ. ये प्लांट्स के लिए, जिनको हम प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जानते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपने अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उससे वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं और खुद का खाना खुद बनाते हैं. हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, मगर किचन में सब चीज़ों को, रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करने के बाद मम्मी खाना बनाती है, या तो होटल में वगैरह में शेफ बाद में खाना बनाता है, या फिर हम खुद ऐसे ही खाना बनाते हैं. खुद का खाना बनाना मतलब ये नहीं कि खुद की चीज़ें प्रोड्यूस करना, बराबर. वो लोग, हम लोग क्या करते हैं, बाहर से चीज़ें लेके आते हैं और फिर उसमें से हमारा खाना बनाते हैं, मगर ये लोग तो सीधा सनलाइट को कैप्चर करते हैं, उसी से सिंथेसाइज करते हैं, और उस सिंथेसिस, बिकॉज ऑफ यूजिंग सनलाइट, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मतलब क्या होता है, लाइट प्रोडक्शन. लाइट की वजह से प्रोडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इक्वेशन मेंशन किया, मगर मैं वर्बली आपको बोलूंगा कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड विच इज यूटिलाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन विच दे यूज सनलाइट एज अ सोर्स बाय यूजिंग CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O दैट इज वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता क्या है, क्लोरोफिल. ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स या फिर प्लांट्स के अंदर होता है, जिससे वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, उससे वो अपना खाना बनाते हैं. एंड दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट. हाँ, क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं. नाउ टेक्स्ट बुक के अंदर आपको काफ़ी सारी जगह पे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ ग्लूकोज और स्टार्च भी मेंशन किया हुआ है. घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक ही है. कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स का नाम है, ग्लूकोज उसका मेन जो हमारी बॉडी में यूज़ होता है या फिर प्लांट्स के अंदर होता है, उसका सबसे सिंपल फॉर्म है, और स्टार्च सोर्स है जिसमें से हमको ग्लूकोज मिलता है. सो कार्बोहाइड्रेट इज़ द नेम ऑफ न्यूट्रिएंट, स्टार्च इज अ सोर्स, एंड ग्लूकोज इज़ द अल्टीमेट प्रोडक्ट, प्लस O2. O2 मतलब हमारा ऑक्सीजन, जो हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया, फोटोसिंथेसिस समझ में आया. अब मैंने बोला कि दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके साथ साथ ऑटोट्रॉपिक के साथ तो आपको समझ में आ गया. अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स वगैरह के ऊपर, सो वी आर कॉल्ड कंज्यूमर. तो सेम इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच वी यूटिलाइज, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट प्लांट्स यूटिलाइज, इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. वो क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स को खाएंगे. हर्बीवोर्स क्या करते हैं, सीधा प्लांट्स को खा लेते हैं. कार्निवोर्स क्या करते हैं, सीधा दूसरे एनिमल्स को, हर्बीवोर्स को खा लेते हैं. ओके, सो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज प्लांट विच यूटिलाइजेस सनलाइट. तो सनलाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले ही मालूम है. नाउ यहाँ पे बोर्ड्स पे मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स, एक्चुअली वर्ड्स डिस्कस किए हुए हैं. अब ये सारे मैंने डिस्क्रिप्टिवली PDF के अंदर मेंशन कर दिए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सिर्फ पॉइंट्स बता देता हूँ और साथ में मैं उसको वर्बली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ. हाँ, एक्सप्लेन पूरा कर दूंगा, मगर मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखकर इसको पूरा कंजेस्टेड नहीं किया है. सो सबसे पहला क्या है, पैरासाइट, बराबर. पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
जो फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। ये ऑर्गेनिज़म्स क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज़म्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, नहीं ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के खाने के ऊपर अपना हक जमाते हैं। जब दूसरा प्लांट, अभी हम फिलहाल प्लांट की बात कर रहे हैं, एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, ओके। सो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो मेन प्लांट्स होते हैं उनके इर्द गिर्द जिनके ऊपर आने लगते हैं और फिर उनका खाना जो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं उसे खाते हैं। सो दे आर कॉल्ड पैरासाइट। अब पैरासाइट तो वो हुआ जो खाना चुराता है, जिसमें से खाना चुराया गया है उसको क्या बोलेंगे, तो उसके नीचे जस्ट एग्जैक्टली मैंने लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड होस्ट, बराबर। जिस जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके ऊपर प्लांट्स पैरासाइट्स अपना खाना वहाँ से चुराते हैं उनको हम बोलते हैं होस्ट, बराबर। अब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया, पैरासाइट समझ में आया, होस्ट भी समझ में आया। आई थिंक आपको अभी तक सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर अप होती जा रही है। सो नेक्स्ट इज इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस से समझ में आ ही जाता है कि यहाँ किसकी बात हो रही है। दे यूज इंसेक्ट्स फॉर अदर वेरियस मिनरल्स फॉर देयर फूड प्रोडक्शन। ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी उनको मिल जाता है इन फ्रॉम द रूट्स, मगर ये लोग दूसरे मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा वगैरह वो लोग ज़मीन में से नहीं ले पाते हैं। सो वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के लिए एक ट्रैप प्रोड्यूस करते हैं, इसमें वो एक स्टिकी सब्सटेंस छोड़ते हैं और उसके अंदर से नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ होगी तो कोई भी ललचा के वहाँ जाएगा, इंसेक्ट होगा वो कौन सा रुकने वाला है, इंसेक्ट भी अट्रैक्ट होगा उसके ऊपर बैठेगा, जैसे इंसेक्ट बैठेगा इंसेक्टिवरस अपना प्लांट, इंसेक्टिवरस प्लांट अपना काम कर देगा और उसे धीरे धीरे स्वॉलो करने लगेगा और उसके अंदर से उसको काफ़ी सारे दूसरे तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, हैंस वो अपना खाना बना सकता है। सेप्रोट्रॉप्स। नाउ सेप्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं, सड़ी हुई चीज़ें जो मर गई है, जो सड़ चुका है उसमें से अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर सिंपल अलग अलग तरह के एंजाइम्स डालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं एंड देन दे डाइजेस्ट इट। सो इट इज़ अ सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अच्छा आप लोग ने वेनम नाम की मूवी देखी है, मैंने बहुत बार देखी है, उसके अंदर कहानी कुछ ऐसी ही है। वेनम एडी ब्रॉक के अंदर घुस जाता है, वेनम एक एलियन है और वो क्या करता है, अर्थ पे वो जी नहीं सकता, उसकी बॉडी उस तरीके से अडेप्ट नहीं है, तो वो क्या करता है, वो एडी ब्रॉक नाम के एक फोटोग्राफर के अंदर घुस जाता है। उससे क्या होता है, एडी ब्रॉक जो पहले बहुत ही मेंटली रिजर्व्ड रहता था उसको वेनम की ताकत मिल जाती है और वेनम को एक सोर्स, एक बॉडी मिल जाती है जिस वजह से वो यहाँ पे अर्थ के ऊपर मेंटेन कर सकता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है। इसमें क्या होते हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, एक इसको बेनिफिट करता है और दूसरा उसको एक बेनिफिट करता है, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लाइकन। हाँ लाइकन क्या है, लाइकन एक अल्गे है। अब अल्गे वो क्या फॉलो करता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके साथ दूसरा कौन, फंगस। फंगस क्या यूज करता है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो अल्गे क्या करेगा, उसके अंदर जो क्लोरोफिल है उसको यूज कर सनलाइट, उससे सनलाइट का यूज करके खाना बनाएगा। बदले में सेप्रोट्रॉप अल्गे को क्या देगा, जो चीज़ें सड़ी हुई है उसमें से न्यूट्रिएंट्स इकट्ठा करके वो अल्गे को देगा, उससे अल्गे खाना बनाएगा और फिर अल्गे उसको वापस खाना दे देगा। सो ये है रिलेशनशिप इन विच द ऑर्गेनिजम्स और द टू अदर ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट themselves, इट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या लाइकन्स देखना है, अभी बुलाता हूँ लाइकन्स को, लाइकन्स आजा। देखा लाइकन्स, थोड़ा थोड़ा आपको ब्राउन कलर का और ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ठीक है, फिर भी आपको अगर बराबर यहाँ पे नहीं दिखे तो आप गूगल करके देख लेना लाइकन्स। आप लोग ने देखा हुआ है, हाँ आप लोग ने देखा हुआ है, फोटो देखोगे समझ जाओगे। चलो भाई जाओ यहाँ से। सो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, अब उस वो आपको समझ में आ गया, इधर तक सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब दो पॉइंट्स रहते हैं, सो लेट मी क्लियर माई सेल्फ फर्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यस
यू आर राइट, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइट्री फाइबर्स प्लस वाटर. सो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड विच हेल्प ऑर्गेनिजम्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वो उनकी बॉडी के लिए नेसेसरी है जिससे उनके बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स इज अ केमिकल कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इससे क्या होता है प्लांट को अच्छा ग्रोथ मिलता है. उसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी है जिसको हम मैन्योर के नाम से जानते हैं, मगर फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ज़्यादा फास्ट होते हैं, वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं और उनके डिसएडवांटेज भी मैन्योर से ज़्यादा होते हैं, मगर दे प्रोवाइड रैपिड प्रोडक्शन और रैपिड ग्रोथ टू प्लांट्स. वो लोग नाइट्रोजन, फॉस्फरस, कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा प्लांट को देंगे जिससे उनका ग्रोथ काफ़ी बड़ा होगा. सो आई थिंक यू हैव लर्न्ड मैनी न्यू थिंग्स, या फिर आप लोग ने पहले से सीखी होगी मगर आपको मतलब वापस एक बार रिविजन हुआ होगा. ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी PDF में डिस्क्रिप्टिवली एक्सरसाइज के साथ सेंड कर दिया है. अच्छा, ये PDF वाली बात मेरे दूसरे व्यूअर्स के लिए नहीं है, ये तो मेरे 7th स्टैंडर्ड के जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग घर पर बैठ के भी देख रहे होंगे, जिनके लिए ये सब मैं कर रहा हूँ उनके लिए. सो व्यूअर्स वाले वो PDF वाली बात को थोड़ा इग्नोर कर दे, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं 7th के, वो ध्यान से एक बार ये चैप्टर फिर से पढ़े, वीडियो वापस देखें, एक्सरसाइज फिर से एक बार पूरी तरीके से रिवाइज करें और एन्जॉय द लॉकडाउन. ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय.